मोहम्मद शहर कोतवाली क्षेत्र के बलदेव नगर बाईपास के पास एक तेज रफ्तार कार ने अखबार बांटकर आ रहे हॉकर को टक्कर मार दी, जिसे राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया। हॉकर की हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। वहीं दूसरी ओर प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कार में भाजपा का झंडा लगा हुआ था और उसकी गति बहुत तेज थी। बैंक जा रहे थे हम, जैसे आए हमने देखा साइकिल वाला यहाँ से आ रहा था और फोर व्हीलर वाला अपनी साइड ना होके इस साइड साइकिल वाले की साइड होके तुरंत उसने फोर व्हीलर वाले साइकिल वाले को मारा और तुरंत निकल गया। अगर आप देखना चाहते हैं सीसी कैमरे में आपको दिख भी जाएगा। पुलिस तो 15 मिनट बाद आई है, क्योंकि हमने तुरंत ही 1 मिनट बाद ही हमने कॉल कर दी थी, लेकिन पुलिस 15 मिनट बाद आई। एम्बुलेंस भी नहीं आई जब तक व्यक्ति हमें उसे ऑटो में बैठा ला, फिर उसके बाद एम्बुलेंस आई है। ये साइकिल से इस साइड जा रहा था कीरत सागर तरफ और गाड़ी कीरत सागर से परवन चौराहे तरफ जा रही थी, जिसका नंबर UP 91 E 77 72 77 72 गाड़ी का नंबर था और शिफ्ट गाड़ी थी और भाजपा को उसमें एक झंडा लगा हुआ था। साइकिल से था, हाँ चक्कर मार के चला गया, हाँ फरार हो गए। रोकने की बहुत कोशिश की फिर भी वो निकल गया। सरकारी बाईपास पे साहू एजेंसी के आगे जो है सोनी नामक व्यक्ति के एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई, मौके पर पहुंचा और मौके पर उसे घायल को तुरंत जिला अस्पताल ले आकर दाखिल कराया गया, जिसका उपचार चल रहा है। इंडिगो गाड़ी का नाम आया है, अभी नंबर प्राप्त नहीं हो सका, जिसके विषय में जो है पता किया जा रहा है। मोहब्बत से इनसाइट न्यूज के लिए अब्दुल नादिर की रिपोर्ट।